लाइफस्टाइल विद कुकिंग, तो आपको ये सारा मैसेजेस देख के पता चल रहा होगा कि मैं तो कहीं जा रही हूँ। सही है, मैं जा रही हूँ मेरे मायके सूरत, और मैं आपको भी लेके जाऊँगी मेरे मायके। तो बने रहिए इस व्लॉग पे, और अभी मुझे बहुत सारा पैकिंग भी करना है। तो हमें निकलना है कल सुबह 6 बजे, और आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, हमें सुबह 6 बजे निकलना है। क्यों? सो गाइस, यहाँ पे मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि सुबह निकलना है, तो अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। अगर मैं कुछ भी भूल जाऊँगी तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहाँ पे मुझे दवाई वगैरह सब कुछ लेना होता है, कि अंश का सब दवाई लेना होता है, अगर उसे बुखार वगैरह कुछ आए तो। मैं पहले से ही मेरे पास रख लेती हूँ सब कुछ, तो सब मैं अच्छे से पैक कर रही हूँ। और बहुत दिन हो गया है मेरी मम्मी के यहाँ गए, क्योंकि बीच में एक बार गई थी, बट 2 डेज में ही मैं रिटर्न आ गई थी कुछ काम की वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ दिवाली तक रहने के लिए, कपड़े फोल्ड करने हैं और पैकिंग करना है। और ये कियांश खा रहा है चिप्स, से हाय कियांश। सो गाइस, अब मुझे पैकिंग करना है, मैं मिलती हूँ कल, बने रहे मेरे इस व्लॉग पे, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गाइस, सुबह का 7 बज रहा है, सैटरडे है, और मैं निकल चुकी हूँ, और अब हम जा रहे हैं सूरत। आजकल जो है कियांश को मैं कार में लेके जाती हूँ तो वो वॉमिट करने लग रहा है और बहुत ही परेशान कर रहा है, तो इसलिए मैं सुबह निकली हूँ ताकि उसे कुछ खिलाऊँ ना और जल्दी मैं पहुँच जाऊँ। बट यहाँ पे जाने में 12 तो बजने वाले हैं ऐसा लग रहा है, तो देखते हैं अब उसको अगर भूख लगा तो मैं बीच में कहीं ढाबे पर खिला दूँगी। तो चले चलते हैं। मैंने सोचा था इसको भूख नहीं लगेगी, बट अब इसको भूख लगने लगी है, देखिए इसका सिचुएशन। अभी तो सिर्फ 9 ही बजा है और 9 बजे इसका नाश्ता का टाइम हो जाता है, तो इसको भूख लग रहा है। तो अभी देखते हैं कहीं ढाबा वगैरह कुछ होगा तो वहाँ पे रुक के फिर इसको मैं नाश्ता करवाती हूँ। हाईवे पे इतनी ठंडी हवा रहती है और व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो फाइनली हम लोग एक ढाबे पे रुके हैं और वहाँ पे जाके कुछ ऑर्डर करके फिर खाते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर किया है सैंडविच, अब इसको मैं सैंडविच खिला देती हूँ, और देखिए इसको फटाफट हम लोग को सैंडविच नाश्ता वगैरह कुछ करके हम लोग निकलते हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ जल्दी जाने के घर पर, और मुझे भी बहुत ही थकान सा महसूस हो रहा है इसको हैंडल करते करते। इसको दिखाई दिया एक शॉप और ये बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहा था उसमें लेके जाने को, और यहाँ पे इसको बस खाने की कुछ चीज़ दिखाई दे तो वह मांगने लग जाता है, तो यहाँ पे मैं उसके लिए कुछ ख़रीद रही हूँ, चॉकलेट्स और वगैरह। तो अब हम लोग जा रहे हैं, नाश्ता सब कुछ हो गया है, अब फटाक से हम लोग निकलते हैं, अब हमें कहीं रुकना नहीं है। देखिए कितना मस्त व्यू है, बैकग्राउंड है। देखिए कितना मस्त लग रहा है ये वाला घर, देखिए ऐसे घर बहुत सारे हैं यहाँ पे रास्ते में ही आता है, और ये घर 100-100 सालों के भी ज़्यादा पुराने घर हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा दिखता है। अब मैं दिखाती हूँ आपको स्कूल, ये रहा, ये पिंक एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में ये मेरा स्कूल है, यहीं से मैंने
अपना स्कूल कंप्लीट किया है, सरस्वती विद्यालय। पहले 3 फ्लोर से था, अब बहुत ही बड़ा हो चुका है ये स्कूल। इसको देख के मेरे स्कूल के डेज याद आ गए मुझे। और ये मोदी जी का जो स्कीम निकला था आवास योजना, वही बिल्डिंग्स है। ये हमारी सोसाइटी है, फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर। सो गाइस, मेरे मायके में मेरे कुछ मेमोरीज है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाती हूँ फोटो फ्रेम। सो ये वाली जो फ़ोटो है वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बर्थडे पे, जो कि कॉलेज के लास्ट ईयर था और मेरा बर्थडे था, तो उन्होंने सब ने मिल के मुझे ये फ़ोटो फ्रेम दिया है। एक्चुअली 3rd ईयर में जब थे हम लोग कॉलेज में, तो हम लोग ने सबके बर्थडे में सबको सेम ऐसे ही फ़ोटो फ्रेम बनवा के गिफ्ट किया था, ताकि वो हमेशा उनके साथ रहे और उसे जब भी देखे तो हमारी जो ग्रुप है, हमारी जो फ्रेंडशिप है, उनको वो याद करे। तो वैसे ही सब ने मुझे ये वाला फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया है। तो ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सबके घर पे ऐसा वाला फ़ोटो फ्रेम है। मिडल में उनका फ़ोटो लगाया हुआ है और साइड में हम सबका फ़ोटो दिया है। तो जिसको देना है उनका मिडल में हम लोग ने फ़ोटो लगा के दिया था। तो ये वाली बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा और हमेशा याद रहेगा। और तो आप लोगों ने मेरे पापा को नहीं देखा है, क्योंकि कुछ काम के लिए वो आउट ऑफ स्टेट गए हैं। तो ये रहे मेरे पापा। एंड ये वाली जो फ़ोटो है वो मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो मिस है और सिस्टर्स और मेरे मेमोरीज है कुछ। ये मेरे पापा हैं, जब यंग थे तब का है। ये रहा 7 hours फ्रेम। तो एक्चुअल में जब मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं सुना था कि जब 7 घोड़े दौड़ते हुए अगर उनका फ़ोटो आप अपने घर पे रखोगे तो कुछ पॉजिटिव वाइब्स होती है और शुभ माना जाता है, तो वही मैंने मेरे पापा को बोला था। तो मेरे पापा ने ये वाला फ़ोटो फ्रेम बनवा के इस वॉल पे लगा दिया है। तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है और पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो चलो और एक मैं बहुत ही अच्छा मेमोरीज आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वाली जो डिज़ाइन है वो मेरे सिस्टर ने बनाया है, तो ये वाला फ़ोटो फ्रेम जब मैं कॉलेज में थी, 2012 का फ़ोटो है, क्योंकि तब 12-12-12 साथ में आ रहा था। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना एक मेमोरी बनाया जाए, इसलिए हम लोग ने ये वाला फ़ोटो क्लिक करवाया है। तो यहाँ पे मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये मेरी लक्की है जो अभी डेथ हो गया, इसका 2 ईयर्स हो रहा है, बचपन से हमारे साथ थी। एंड वो मेरा भाई है, मैं हूँ, और ये मेरी सिस्टर है छोटी वाली, और ये मेरा भाई है, इसका भी डेथ हो गया है, और मतलब ये मेरा कज़िन हमारे साथ ही रहता था। सो इसलिए ये फ़ोटो में फ्रेम बनवाया इसका भी, बट अभी ये इसका भी डेथ हो चुका है। सो ये हमारे हम साथ साथ का एक फ़ोटो फ्रेम है, बहुत ही मेमोरेबल फ़ोटो फ्रेम है। ए, मेरे लकी। जिसको सो गाइज, ये मेरी लक्की है, और ये जब छोटा था तो मतलब रोड पे ही, हम लोग इसको कुछ ख़रीदा नहीं था, तो रोड पे ही था, बहुत छोटा था तो बहुत रो रहा था। तो उस दिन गणेश चतुर्थी, मतलब गणपति बैठते हैं, तो उस दिन मेरी मम्मी कुछ सामान लेने जा रही थी, तो ये डॉगी रो रहा था, तो मेरी मम्मी को बहुत ही दया आया इसके ऊपर, इसको घर लेके आई। तो हम लोग ने इसे बहुत मतलब अच्छे से देखा, और एज ए सिस्टर हम लोग इसे ट्रीट करते थे, ना ही एक एनिमल, ना ही एक डॉग, हम लोग ये थिंकिंग नहीं रखते थे, ये हमारी बहन की तरह हम लोग इसे हमारे साथ रहते, हमारे साथ खाती थी, मेरी मम्मी खुद उसको अपने हाथों से खिलाती थी, हमारे साथ ही बेड पे, वो मेरी मम्मी के साथ हमारे साथ बेड पे ही सो जाती थी। बट अभी इस आफ्टर 13 ईयर्स के बाद इसका डेथ हो चुका है, वो 13 साल तक ये हमारे साथ रही है। इसलिए देखो यहाँ पे लक्की नल्ला सरनेम के साथ फ़ोटो फ्रेम बनवाया मेरे पापा ने, और इसका भी मतलब मेरी मम्मी पूजा करती है, मतलब याद करती है। सो
सो ये भी एक फैमिली मेम्बर्स की तरह हम लोग ने इसे रखा है। और मेरी मम्मी बहुत ही मिस करती है, और ज़्यादा लक्की जो है मेरी मम्मी के साथ ही ज़्यादा अटैच था। यहाँ पे भी देखो मेरी सिस्टर ने ये वाला पेंटिंग किया हुआ है, बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है। तो आप भी इस तरह से अगर कोई प्लगिंग वाला सिस्टम है तो यहाँ पे इस तरह से पेंटिंग करके थोड़ा सा डेकोरेट कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपेंस। तो ये सिर्फ ना ही कोई स्टिकर्स है, ये सिर्फ वाटर कलर है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है ना। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय।